माय गॉड, तुम तो एकदम रोमियो की तरह शर्मा रहे हो। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इगेट का बिजनेस पार्टनर अमेरिका में है और वो पब्लिशर एक नए राइटर को चांस देना चाहते हैं। उन्होंने मेरी बुक पढ़ी, उन्हें वो पसंद आई। अगर मैं 3 दिनों में 20 पेजेस लिख लेती हूँ तो वो मेरी बुक पब्लिश करेंगे वहाँ पर, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अकरम, क्या हाल है, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मुझे तुमसे कुछ जानकारी चाहिए थी। मैं तुम्हें एक नाम भेज रहा हूँ, जरा पता लगाओ उसका कोई अमेरिका में बिजनेस है या नहीं। तुम्हारे तो बहुत सारे कनेक्ट है वहाँ पर और काफी पब्लिशर्स को भी जानते हो। उसका नाम है येगेट एरसॉल्स। हाँ हाँ, थोड़ा अर्जेंट है, जरा पता करके बताओ ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या हुआ, सब ठीक है ना मिस्टर अजीज? नहीं, जान ने मुझे कुछ नहीं बताया उनके बीमार होने के बारे में। मिस्टर एमरे को देर से पता चला? हाँ हाँ, उनको बुरा तो लगेगा। ठीक है ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। हाँ बाय। सनम, जान, जान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जॉगिंग कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि शायद तुम मिल जाओगी मुझे, मैं तो तुम्हारे पीछे ही भागता हूँ ना। तुम रो रही हो क्या, सब ठीक तो है? नॉवल को लेकर परेशान हो? हे, क्या हुआ, तुम अपसेट क्यों हो? नहीं, नॉवल के लिए नहीं, एक्चुअली मैं कुछ लिख नहीं पा रही अब तक, नहीं लिख सकती, मैं अकेला महसूस कर रही हूँ। अयान, उस्मान सब जा रहे हैं। उस्मान चला गया, मेरी बहन चली गई, मुझे बहुत अजीब लग रहा है जान। या ओ, मैं हमेशा हूं तुम्हारे साथ जान। क्या आपके डैड बीमार हैं? हाँ, मैंने एमरे को बताया था और तब से वो मुझसे बात नहीं कर रहा। हाँ, इसीलिए क्योंकि आपने ये खबर उन्हें देर से बताई, और उन्हें भी ये जानने का हक है ना। मेरे डैड नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले। मुझे भी किसी और से अचानक पता चला था और मैंने उनसे बात नहीं की इस बारे में। लेकिन आपने ये बात मुझे भी तो नहीं बताई कभी भी। पता नहीं क्यों। आप मुझे हर बात बता सकते हैं, मुझसे प्लीज कभी कुछ छुपाना मत, कभी भी नहीं, कुछ भी छुपाओ मत, प्लीज मुझसे भागो मत। ठीक है। हम साथ में जॉग करें या स्विम? पहले स्विम करते हैं फिर जॉग के लिए जाएंगे।